बच्ची पूरी तरह से उसमें नहीं आई तो सरकार हर बेटी राजस्थान की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो महिला, इनको फुर्सत ही नहीं है बच्ची से आकर मिलने की। इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्रियों के घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। 1 रुपए की दलित परिवार को मदद नहीं की, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। 24 घंटे में 6-6 बच्चियों से रेप हो जाते हैं राजस्थान में। आपकी बात तो राजधानी जयपुर में हो गया, रोज राजधानी जयपुर में बच्चियों से रेप हो रहे हैं। तो सीरियसली इलाज तब होता है जब मंत्री और मुख्यमंत्री दुखी होते हैं। हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है आकर रेप पीड़ित बच्ची से मिले, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी है। रेप पीड़ित जो भी बच्ची होती है उसको अलग रूम में रखा जाता है, कभी भी जनरल रूम में नहीं रखते हैं। ये जो रेप जिस बच्ची के साथ हुआ है वो इतने खतरनाक गुंडे थे कि उन्होंने बच्ची को उठाकर ले गए, रेप हुआ, बच्ची होश में नहीं आई। अब होश में आई है तो उसका दिमागी रूप से पूरा दिमाग संतुलित नहीं है, बच्ची चिल्लाती है बार बार। उसके फादर से मेरी बात हुई आज फोन पर, मैंने आकर देखा। तो इलाज के लिए तो नॉर्म्स तय है, बच्ची को अलग रूम में रखिए या आईसीयू में रखिए, बच्ची पूरी तरह से होश में नहीं आई तो सरकार हर बेटी राजस्थान की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो महिला, इनको फुर्सत ही नहीं है बच्ची से आकर मिलने की। इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्रियों के घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है और सचिवालय यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर है। सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर देखने को तैयार नहीं है कि रेप पीड़ित बच्ची के क्या हाल है, उसका परिवार कितना परेशान है, दुखी है। 1 रुपए की दलित परिवार को मदद नहीं की, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। 24 घंटे में 6-6 बच्चियों से रेप हो जाते हैं राजस्थान में। आपकी बात तो राजधानी जयपुर में हो गया, रोज राजधानी जयपुर में बच्चियों से रेप हो रहे हैं। तो आप इनके इलाज की भी व्यवस्था नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी आकर मिले, कोई मंत्री यहाँ आकर मिले, इलाज की तो व्यवस्था देखो क्या हालात है। आप जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बताएंगे एक पुलिस साहब ये रेप पीड़ित बच्ची है, तो आपने जनरल वार्ड में सबके साथ रख दिया, उसका परिवार दुखी, वो सब लोग दुखी आते जाते पूछते हैं लोग। तो मैंने अभी डॉक्टर से कहा कि इसको अलग शिफ्ट करो, अलग रूम दो, इसकी पूरी व्यवस्था करो जिससे बच्ची जल्दी ठीक हो। सीरियसली इलाज तब होता है जब मंत्री और मुख्यमंत्री दुखी होते हैं। हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है आकर रेप पीड़ित बच्ची से मिले, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी है, और उनको इलाज की पूरी व्यवस्था करानी चाहिए और दलित परिवार की मदद करनी चाहिए। ऐसा वो नहीं करते हैं तो मानेंगे हम कि ना सरकार है, ना मुख्यमंत्री है, ना मंत्री है। सरकार को फुर्सत ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर हवाई जहाज घूमता है, लैंड करने की फुर्सत नहीं है। यदि वो लैंड नहीं करेंगे तो ये मानकर चलना ये जनता के साथ धोखा है और इनके कोई दिल नहीं है। दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार मजे कर रही है, हवाई जहाज में घूम रही है, जर्मनी कभी जा पा रही है।